जय हिंद साथियों, मैं हूं सुहेल चिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव। बहुत बड़ी एक दिल दहला देने वाली खबर है यूपी के बुलंदशहर से। यूपी के बुलंदशहर में पटाखों पर रोक थी। जब यूपी की बुलंदशहर की पुलिस जब अपने क्षेत्र में गश्त करने जाती है तो वहां पे कुछ लोग पटाखे की बिक्री कर रहे थे। ये पुलिस को ना गुजारा गुजरा, पुलिस ने कई लोगों के साथ धक्का मुक्की की, मारपीट किया। उसके बाद से उसी लाइन में एक और पटाखे वाले को पुलिस जबरदस्ती उसके पूरे पटाखे को कब्जे में लेकर उसे अपने वैन में बैठाने की कोशिश की, लेकिन तभी उस दुकानदार के साथ में बैठी उसकी 10 साल की बच्ची ने अपने पिता को जेल में जाते हुए उसे इतना सदमा लगा कि वह बच्ची पुलिस की गाड़ी पे अपना सर पटक कर रोने लगी। वो बार बार अपना सर को पुलिस की वैन पे पटकती रही, लेकिन बेरहम पुलिस का दिल नहीं पिघला। जब ये वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश में खलबली मच गया। वहीं बुलंदशहर की एसएसपी एसडीएम ने भी इसकी काफी निंदा की और संबंधित पुलिस अधिकारियों को, जो पुलिसकर्मी थे उस जो वहां पे गश्त करने के लिए गए थे, उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की। उसके बाद से वहां की एसडीएम और सीओ उस बच्ची के घर जाते हैं, उस परिवार के साथ जाते हैं, उस परिवार के लोगों के साथ में जाकर दीपावली का त्यौहार खूब धूमधाम से मनाते हैं। बच्ची काफी बाद में खुश नजर आई, लेकिन क्या योगी जी की बेरहम पुलिस उस 10 साल की बच्ची का दर्द को नहीं समझ सकी? अगर समझती, वो बच्ची इतनी हताहत थी, इतनी तकलीफ में थी कि वो अपना सर बार बार पुलिस की गाड़ी पे पटक रही थी, लेकिन पुलिस वाले उसे इग्नोर कर दे रहे थे, उसे जाने अनजाने में उसे हटा दिया करते थे। बच्ची को बार बार साइड, कई पुलिसकर्मी आते हैं उसको हटाते हैं, लेकिन बच्ची अपने पिता को छोड़ाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहती है। जब वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश में खलबली मच गया। देखिए हमारी रिपोर्ट में था। डिम्पी जी, खुश हो आप? हाँ। कौन कौन आया घर पे दीपावली मनाने? एसडीएम मैडम आई है। हाँ? और सीओ पुलिस वाले अंकल आए हैं। अच्छा? और इंस्पेक्टर अंकल आए हैं। तो क्या लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है दीपावली का त्योहार? बहुत अच्छा। तो पापा आ गए घर पे? हाँ।